स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइए क्या आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर्त्य सेन। ए करेक्ट आंसर होगा। सभी के गलत आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अमर्त्य सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक अमर्त्य सेन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अमर्त्य सेन पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा, पहले भारतीय व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था। 1998 में कब सेन को नोबेल प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है दोस्तों। वेरी गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिसिसिपी मिसौरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब सभी आंसर बताइए, अगर पूछा जाए परीक्षा में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आर एस, वेरी गुड, सभी इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए। गुड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में, सभी इसका आंसर करिए। अमेरिका करेक्ट आंसर नहीं होगा, कनाडा करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। कनाडा करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यूएसए करेक्ट आंसर नहीं होगा, कनाडा करेक्ट आंसर है। यस, क्या पूछा है, मैंने आपसे पूछा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो कनाडा करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ब्राजील। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? कनाडा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसे आप लोग याद रखिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिसिसिपी, मिसौरी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिएगा सनी, वेरी गुड। हंसी बहुत अच्छे, जिद्दी गर्ल, राम कुमारी, कोमल रानी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। अमित, रिंकू, अंश, फायर गर्ल, आप सभी ने राइट आंसर दिए। योगेश, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बांसुरी। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, बांसुरी करेक्ट आंसर है। पन्ना लाल घोष बांसुरी संबंधित हैं, बांसुरी वादक हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। शिव कुमारी, टिल्लू, आरएस, आपके भी राइट आंसर हैं। तिरसा, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए। शिवांशु, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान देखिएगा। गुड, चलिए इसका आंसर करिए। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। पेरिस कहाँ की राजधानी है? जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी है। पूछा जाता है कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। अभी आपको बताना है पेरिस किस नदी किनारे स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीन या सैन एक ही नदी है, तो सीन नदी किनारे है पेरिस, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी जल्दी से आंसर, का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। क्या कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में है। दिल्ली करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में, तो सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए दोस्तों कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटफिसेस ने। किसने? कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, राजा कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क भी आप लोग याद रखिएगा, कुषाण वंश के राजा थे। किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। अभी इसका आंसर करिए, बताइए कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मथुरा करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? मथुरा करेक्ट आंसर है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भी था और अभी परीक्षा में पूछा भी गया था, किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे बसा है मथुरा। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब सभी जल्दी से आंसर करिए, कुषाण वंश की पहली राजधानी बताइए, पूछ लेते हैं परीक्षा में।
तो सभी इसका आंसर करिए। कुषाण वंश की पहली राजधानी बताइएगा सभी जल्दी से। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मथुरा करेक्ट आंसर होगा। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी तो मथुरा थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कट से इसने। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी मैंने आपसे पूछा है कुषाण वंश की पहली राजधानी, तो सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। पाटलिपुत्र नहीं थी। गुड। देखिए अगर पूछा जाए परीक्षा में कुषाण वंश की पहली राजधानी, क्या पूछा जाए? कुषाण वंश की पहली राजधानी, तो आप लोग याद रखिएगा पेशावर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। इसका प्राचीन नाम पिरोजपुर है। पेशावर कुषाण वंश की पहली राजधानी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नहीं थी, पेशावर थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहली राजधानी पेशावर थी कुषाण वंश की, एंड दूसरी राजधानी मथुरा थी। यस पेशावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी सीमा की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमालय। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, हिमालय। यस, जो हिमालय है उत्तरी सीमा में प्राकृतिक दीवार का काम करती है भारत के लिए, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है हिमालय, करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बेगम हजरत महल है 1857 की क्रांति में कहां संबंधित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि आपको बतानी है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1985 में शुरू हुई थी और 1990 तक चली थी। कब तक चली थी? 1990 तक चली थी। 1985 में शुरू हुई थी, 1990 तक चली थी। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए और साथ ही आंसर करिए। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल पाल वंश के एक शासक थे। किस वंश से संबंधित थे? पाल वंश के शासक थे। और आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं पाल वंश की स्थापना किसने की थी। अगर पूछा जाए पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल ने। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आपसे पूछा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइए। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए। बताइए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
यस रानी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आपको बताना है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमेजन। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा अमेजन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, और चौड़ी नदी कौन है, अमेजन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, नॉर्मल बॉल लॉग ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक, अगर पूछा जाता विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता परीक्षा में? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तब तो आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मन बॉल लॉग हरित क्रांति के जनक थे, विश्व में माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम गॉड। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था, बी इसका राइट आंसर होगा, विलियम गॉड करेक्ट आंसर है। अब अगर पूछ रहे हैं परीक्षा में भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, क्या पूछ रहे हैं परीक्षा में भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, नहीं रानी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, अगर लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो बाद में भी क्लास को देख सकते हो, बट क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिपुरा। ए करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा, दो तीन दिन बाद इवनिंग की क्लास होगी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किस साम्राज्य से संबंधित है, आपसे साम्राज्य पूछा गया है, किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है कृष्ण देव राय, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाणक। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चाणक ने चंद्रगुप्त मुख्य रूप से मदद की थी, सी इसका राइट आंसर होगा, चाणक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य की स्थापना की थी। चाणक को कौटिल के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन मगध का शासक सिकंदर के समकालीन था? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे पूछा है कौन सा मगध का शासक सिकंदर के समकालीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, घनानंद। सिकंदर के समकालीन था, बी इसका राइट आंसर होगा, घनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग याद रखिए घनानंद। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर, बहुत अच्छे। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बी इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। बी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी जल्दी, गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HCl होता है, इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन से। ये भारत के हैं और बैडमिंटन से संबंधित हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छे। क्या पूछा है क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? अगर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करता है? अब सभी जल्दी से बताइए, सभी बताइए संयुक्त अधिवेशन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, जल्दी से आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित अनुच्छेद बताइए। गुड। पूछा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित अनुच्छेद, जो बैठक होती है इससे संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 108 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है।
अनुच्छेद 108 आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 180 नहीं 108। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, सभी इसका आंसर करिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए, अगर आपको नहीं पता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएंगे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर कैस के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटलेट्स। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, सभी जल्दी से आंसर करिए। यस सी एम। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्या पूछा है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, अकबर, शाहजहां, शेर शाह या हुमायूं, सभी इसका आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, बी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 343। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 343 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, सभी इसका आंसर करिए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहाँ पर है, अगर पूछा जाए मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहाँ पर है तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, कहाँ पर है, कोलकाता में, इसे भी आप लोग याद रखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, आपको बताना है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है, तो बी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं कब अध्यक्षता की थी, अगर पूछा जाए कब अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का 1924 में 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था 1924 में, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, 1923 में नहीं हुआ था, 1924 में हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के गठन की सबसे पहले मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में प्रस्तुत की थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ये आंसर करिए। बायोलॉजी से संबंधित है, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। आपको बताना है निम्न में से कौन कोशिकाओं का भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका भित्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे क्या पूछा गया था, कोशिकाओं का कौन सा भाग कोशिकाओं में नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। सभी इसका आंसर करिए, 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, जल्दी से आंसर करिए। यस आर एस, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग पांच में। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। भाग पांच में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के, तो डी इसका राइट आंसर है। भाग दो, कई बार मैंने आपको बताया नागरिकता संबंधित है। भाग तीन फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये जो भाग चार है डीपीएसपी संबंधित है। भाग पांच संघीय कार्यपालिका संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस देश को यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की। अब इसका नाम तुर्की हो चुका है, तुर्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए उर्दू किस भाषा का शब्द है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की भाषा का शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान, यूएसए, ब्रिटेन या फिर साउथ अफ्रीका। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई है, बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए दोस्तों कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। सभी इसका आंसर करिए, कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, किस तट पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मालाबार तट पर। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो कोची बंदरगाह है मालाबार तट पर है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला में। कहां पर है, केरला में। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता।
क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता संबंधित है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है कोझीकोड बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में है, तो बी का राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बहुत से लोगों को मिल चुका है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन 37 के लिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कोझीकोड पोर्ट केरल में है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 37 का भी बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक बताइएगा, कौन सी पुस्तक? अब ब्रीफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर करिएगा, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टीफन हॉकिंग। इसका राइट आंसर होगा, स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट थे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेबी कृपलानी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? जो दूध में शुगर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लैक्टोज। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस लैक्टोज करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। आप पूछ सकते हैं परीक्षा में, थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो पहला फैक्ट्री अधिनियम है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। आप पूछ सकते हैं कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए 1881 में, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, इसका आंसर करिएगा। जेबी कृपलानी और सुचेता कृपलानी अलग अलग हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो अलग थी, और ये आजादी के समय जो INC के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ये अलग थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुआ था? 1707 में, 1707 में। पूछ लेते हैं परीक्षा में से, आप लोग याद रखिएगा, उस समय जो मराठा नेतृत्व था ताराबाई के हाथों में था। डी इसका राइट आंसर होगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशुपति। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, पशुपति। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा, सबसे बड़े पशु मेला कहां पर लगता है भारत में? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार के सोनपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सोनपुर पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था और मैंने आपको कई बार बताया भी। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन राज्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन 46 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिनाब रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना, तो डी इसका राइट आंसर है। यस, टारगेट। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1957 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, डी इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज तंत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, बलवंत राय समिति पंचायती राज तंत्र से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, संघ और उसका राज्य भाग एक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी नागरिकता मूल अधिकार DPSP अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आपको बताना है आलू का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहां पर होता है? सभी आंसर करिए दोस्तों, बताइए भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फारसी में जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इन्होंने फारसी में जफरनामा पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है पटना में हुआ था, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में बिहार की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है छत्रसाल कुश्ती का स्टेडियम है, आपको बताना है ये कहाँ पर है, हरियाणा असम केरल या फिर दिल्ली? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? दिल्ली में है छत्रसाल स्टेडियम। नंबर 53 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का, अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों ने जो रैयत बाड़ी बंदोबस्त है निम्न में से कहां पर लागू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए।
आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है ये पूछा गया है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। टिल्लू वेरी गुड, आपसे एक बहुत अच्छे टारगेट, जिद्दी गर्ल, अमित, अंशी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। रानी, राहुल, मनीषा, सीमा, रिंकू, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार संचालन करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। सीएम वेरी गुड, यस सेवा, बी इसका राइट आंसर होगा, टारगेट बहुत अच्छे आ रहे हैं, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, गुड। रामविलास वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए नेपाल और भारत के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए नेपाल और भारत के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। जो काली नदी है नेपाल और भारत के मध्य सीमा बनाती है, सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अबुल फजल किसके शासन काल में था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल किसके शासन काल में थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस राम कुमारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिएगा, परीक्षा में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। जो अकबर नामा है कितने पुस्तकों में विभाजित है ये भी पूछ लेते हैं, तीन पुस्तकों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी 8 के लिए। बताइए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें उद्देश्य का हमें बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? भारत संविधान के उद्देश्य का प्रेम्बल में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? जो प्रस्तावना उसमें एक शब्द बंधुता, इसका तात्पर्य बताइए। इसका मतलब होता है भाईचारे से, भाईचारा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 58 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसमें क्या सही सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें क्या सही सम्मिलित नहीं है? आलम उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा, या फिर रोपड़ पंजाब। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। सही नहीं है, सम्मिलित सही नहीं है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगन हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो कालीबंगन है ये कहाँ पर है? वर्तमान में राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे, पूछा जाता है परीक्षा में। कालीबंगन करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। वर्तमान में कालीबंगन राजस्थान में है। अगर पूछा जाता राखी गढ़ी कहाँ पर है? हड़प्पाई नगर है राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। ये अलग क्वेश्चन है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, तो इनके बारे में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऊतकों के नाम बताइए जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, उन ऊतकों के नाम बताइएगा। दो कौन तक हैं वो? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेल और कॉर्निया ऐसे ऊतक हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, नेल्स और कॉर्निया, नाखून और कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड।